You, we are the student of 9th grade, son. Today we can show an act of voting awareness. क्या हाल चाल है आपके? आज तो वोटिंग का दिन है, तुम किसको वोट दोगे? मतदान का दिन मतलब छुट्टी का दिन, मैंने सोच रखा है मैं तो बाहर घूमने जाऊंगा। अच्छा, और तुम बताओ तुम किसको वोट दोगे? भाई मेरा तो वोटर कार्ड ही नहीं बना, और वैसे भी कौन इतनी लंबी लाइन में जाके अपना वोटर कार्ड बनवाए, इसलिए मैं तो अपना घर पे बैठ के फ्री फायर खेल लूंगा। मेरे एक वोट से वैसे भी किसी का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और भाई तुम किसे वोट दोगे? भाई मेरे तो पापा ने कह रखी है जो हमारी जाति का होगा ना हम तो उसे ही वोट देंगे, क्योंकि वो हमारी जाति के लोगों में विकास करेगा और हमारी जाति के लोगों को ही नौकरी दिलवाएगा। हमें वोट जाति के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर देनी चाहिए। हमें ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो सभी जाति का विकास करे। मेरी इस बात पर गौर करना भाई। बिल्कुल भाई। और भाई तुम यहाँ बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वोट देने नहीं जाना? भाई बिना नोट के कैसा वोट है? वोट कोई फोकट की देने की चीज है क्या? क्यों भाई, सही नहीं बोल रहा? सही कह रहे हो भाई। और भाई तुम किसे वोट दोगे? अरे भाई मैं तो बगल वाले गांव को ही वोट दूंगा, क्योंकि वह कपड़े पैसे दारू और साइकिल भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये कपड़े भी मुझे दिए हैं। क्या तुम अपना वोट बेचोगे? क्या तुम बिकाऊ हो? जिस उम्मीदवार को तुम अपना वोट बेच रहे हो ना, वो एक दिन इस देश और तुम्हें सबको बेच देगा। तुम ऐसे लोगों की वजह से इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और भाई तुम क्या कहना चाहोगे? अरे भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, आज हम अपना वोट एक बार योग्य नेता को ही देंगे। अच्छा है भाई, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए ही वोट करते हैं। इलेक्शन का दिन एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन होता है। धर्म जाति के नाम पर नहीं काबिलियत के आधार पर वोट दे। 5 अक्टूबर को आप सभी भी वोट डालने जाना। धन्यवाद।